हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करते हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपना और अपना को ख्याल रख रहे होंगे आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो मच और मैं मैजिकल एस्ट्रो पर जुलाई मंथ की रीडिंग डाल रही हूं अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने जोड़ी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक है गिफ्ट और मैसेज और मैं बता देना चाहती हूँ कि गाइस एक कार्ड के हजारों मीनिंग होती है ठीक है तो हम यहां पर आपके पार्टनर की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एनर्जी देखें तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं ये आपके पार्टनर मैच्योर वूमेन हो सकते हैं या मैच्योर मैन हो सकते हैं अभी जो है काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं ये हो सकता है कि आपसे एज में काफ़ी बड़े हों ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही सोच रहे हैं आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज़ रात और दिन सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर के ही इनके मन में थिंकिंग चल रही है तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूस आपके बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है कि वो आपकी फ़ोटो को भी देख रहे हूँ सोशल मीडिया पर देखती हूँ आपके चैट वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कागज़ रखे हुए हैं तो आपके चैट वगैरह पढ़ते होंगे ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अपने काम पर भी ध्यान लगा रहे हैं लेकिन उनका जो है ध्यान इतना काम पर नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये यह भी दिखाई दे रहा है कि वो काम करते करते भी आप ही को लेकर के सोच रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये पर्सन काम तो कर रहा है लेकिन इसका माइंड जो है वो चल रहा है मतलब इसका मन उदास हो, हो रहा है तो इसके चेहरे पर साफ़ झलक रहा है कि ये पर्सन जो है काम तो कर रहा है लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है तो आपके पर्सन काम तो कर रहे हैं वर्क तो कर रहे हैं जॉब करियर में ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर ज़्यादा है सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके ख्यालों में रहते हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट कार्ड कि वो ये सोच रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ जाएगा मुझे लेकर के ऐसा वो सोच रहे हैं कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने हो सकता है इनर वर्क किया हो यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही हैं यहाँ पर वो इनर वर्क करते जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं करते जा रहे हैं यहाँ पर भी बटरफ्लाई हैं आगे ही जा रहे हैं मतलब पेशेंस रख करके चल रहे हैं इनर वर्क कर रहे हैं आप भी मेरे व्यूवर्स इनर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो कब खत्म होगी उनको समझ नहीं आ रहा है तो वो ये सोच रहे कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो कब ख़त्म होगी पथरीला रास्ता है कहीं जो है घास है कहीं पर मिट्टी है तो मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी स्ट्रगल्स बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को पार कर करके वो आगे बढ़ रहे हैं और आप भी मेरे व्यूवर्स आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि थर्टी फाइव की एज भी हो उनकी ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये आपकी हो सकती है मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही गई कि ये पर्सन काफ़ी पेशेंस के साथ में आगे बढ़ रहा है और आप भी मेरे व्यूर्स काफ़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी पेशेंस रख कर के उनका वेट कर रहे हैं तो ये पर्सन भी यही सोच रहा है कि ये रास्ता कहाँ जा कर के मिलेगा मेरे पार्टनर से मुझे नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ ऐसा वो सोच रहे हैं यहाँ पर देखिए उनके अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये चेंज का कार्ड है बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच कर रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नाइन नंबर का कार्ड है ये उनकी विशेज़ तो पूरी हो रही हैं लेकिन जो रियल में जो उनकी विश आप हैं वो कब पूरी होगी वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं कभी आप दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर गए होंगे कभी कोई ट्रिप पर गए होंगे कभी कोई गार्डन में वैसे घूम रहे होंगे तो साथ बैठे होंगे तो वो पल इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं वो बहुत यादें सता रही हैं ऐसा उनको लग रहा है कि वही दिन फिर से वापस आ जाए हमारी लाइफ में आपके पार्टनर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में यही सोचने वाले हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस बहुत आपको लेकर के टेंशन में है बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी या उनकी डेट ऑफ बर्थ फोर या सिक्स हो सकती है यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको वो इतना सुंदर देखती हैं कि एक किन की तरह देखते हैं एक महारानी की तरह हैं आपको दिखती हैं आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इंस्पिरेशन का काम करती हैं यानी कि आपने उनको इंस्पायर किया है आगे बढ़ने में ज़िंदगी जीने में हो सकता है कि वो ब्रेकअप से गुजरे हों पहले जब आप मिले थे तब या हो सकता है कि वो डाइवोर्सी भी हो सकती है कुछ केसेस में सभी के लिए नहीं है तो आपने उनको जीना सिखाया है आपने उनकी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस ला दिए हैं अब वो उन चेंजेस को याद कर रहे हैं कि पहले मैं क्या था और आज क्या हूँ ये देखिए जस्ट इसके ऊपर ये अभी वो मैच्योर हो चुके हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जेंट्स लेडीज़ कोई भी हो सकते हैं ठीक है आपके पार्टनर तो काफ़ी मैच्योर फील कर रहे हैं अपने आप में और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ज़िंदगी ही बदल दी थी इस पार्टनर ने तो लेकिन मैंने इनको इतने दुख क्यों दिए ऐसा वो सोच रहे हैं यहाँ पर वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या आप उनके लिए गिफ्ट के तौर पर हैं ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गोड ने उनको गिफ्ट दिया है कोई उपहार दिया है ऐसा वो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में देखिए देखिए यहाँ पर आप ही दिखाई दे रहे हैं ठीक है उनको ऐसा लगता है कि आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मेरी ज़िंदगी को आपने पूरी तरह से बदल दिया है आपके आने से मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस आई है रुपये पैसे की भरमार हुई है आपके आने से हो सकता है उनकी जॉब लगी हो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ हो उनको जो है प्रमोशन मिला हो तो यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस बंदे की मेरी लाइफ में आने से बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ खुशियाँ मेरी लाइफ में आई थी तो वो आपको बहुत ही लकी मानते हैं अपने लिए नेक्स्ट मैं देखूँ यहाँ पर हो सकता है कि पहले आप लोग बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हों बहुत ज़्यादा जो है कॉल मैसेज करते हों तो वही दिन उनको याद आ रहे हैं और वो अभी वो आपसे जो है वही पल आपके साथ बिताना चाहते हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वही चैटिंग करना वही जो है मैसेज करना इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो दिन उनको याद आ रहे हैं और वो अभी भी वैसे ही जीना चाहते हैं जिस तरह से वो पहले आपके साथ में अटैच थे ऐसा लगता था कि एक जिसम दो जान है ऐसा वो फील करते थे यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी हम नेक्स्ट टेक्स से देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या और सोच रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एंजल्स प्लीज गाइड मी बहुत ज्यादा उदास है बहुत ज़्यादा टेंशन में है वर्क भी कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन में है गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हद से ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं देखिए अब आपको ये कहा जा रहा है और आपके पर्सन को कि रिलीज़ कर दीजिए के आसपास जो नेगेटिविटी थी या आपके माइंड में जो नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ कर दीजिए जो लोग आपको पीछे खींच रहे थे जो आपको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो इसलिए आप उन चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़िए यही यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है और आप भी जो है ऐसा करिए मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं मैंने यहाँ पे बताया था कार्ड निकला था कि वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में देखिए सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं उनके ख्यालों में ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके अलावा और कोई नहीं है मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइज की वो लगातार कई घंटों तक आपके बारे में ही सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उन तक पहुँचना चाहते हैं उनको अप्रोच करना चाहते हैं उनसे चैटिंग करना चाहते हैं उनको फ़ोन करते होंगे लेकिन वो अपने आप को उनसे बचा कर चल रहे हैं क्यों बचा कर चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वो आपसे ही प्यार करते हैं और आपके साथ में ही आगे ज़िंदगी ले जाना चाहते हैं इससे पहले जो सिचुएशन रही है वो रही है मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन आप थी आपकी मुझे नहीं पता कि आपकी क्या सिचुएशन थी लेकिन आज के दिन वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को चाह रहे हैं आप ही के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी खाली खाली सी हो गई हो कोई मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया हो ऐसा वो सोच विचार कर रहे हैं जैसे किसी की ज़िंदगी में कोई जो है उनका अपना चला जाता है या कोई उनका पैट वगैरह चला जाता है जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है इसी तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि जैसे कि ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी है ऐसा वो सोच रहे हैं और आपसे वो अपना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कई जन्मों से वो एक ही साथ चले आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कभी कभार वो ना चाहें तो भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्शन फील होता है आपको लेकर के ये देखिए क्योंकि आप उनका प्यार हैं टू ऑफ कप्स यहाँ पर आप उनका प्यार हैं कई जन्मों से आप साथ चले आ रहे हैं आपका जो है सोल का कॉन्ट्रैक्ट है इसी वजह से ये अट्रैक्शन फील होता है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से आपके पर्सन जो है एक सेकंड के लिए भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं और आप मेरे व्यूवर्स तो भूल ही नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से जो क्योंकि आपका कई जन्मों से साथ चला आ रहा है इस वजह से ठीक है अभी हम ट्रू लव औरकल डेक्स देख लेते हैं कि और कितना जो है प्यार करते हैं आपसे वो और कितना आपके बारे में सोचेंगे ट्रू लव के बारे में ट्रू लव आपसे उनको कितना ट्रू लव देखिए वाव वाइज बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही सोल के दो हिस्से हैं यानी कि जैसे हम टम जर्नी पर हूँ और इतना अटैचमेंट उनको फील होता है देखिए जैसे माली को अपने पौधों से अटैचमेंट फील होता है इसी तरह से उनको आपके प्रति अटैचमेंट है वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं वो आपको ऐसे ही नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी के देखते हैं और वो भी आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं कम्पेटिबिलिटी आप उनके एक बहुत ही अच्छे कम्पेटिबल पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि आपके सिवा और कोई ऐसा पर्सन नहीं हो सकता जो मुझे समझ सके इतनी गहराई से आप बिना कहीं भी बातों को समझ जाते हैं आप मेरे जो हैं दिल के अंदर गहराई में जो भी थाट्स छुपे होते हैं उनको आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो इतना अच्छा कंपेटिबल पार्टनर उनको कहाँ मिलेगा ऐसा वो सोच रहे हैं देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग टिन फिल्म जर्नी पर हैं तो उनका ये मेस्कुलन है और वो आप आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं इतनी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं देखिए अट्रैक्शन अटैचमेंट भा जाता है आपके प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि जैसे तितली जो है फूल की तरफ खींचे चली आती है इसी तरह से आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ खींचे चले आते हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और वो अभी इनर पीस चाहते हैं जो भी लड़ाई झगड़ा आपके साथ में पास्ट में किया है वो सब भूल करके वो आपके साथ में इनर पीस से आगे ज़िंदगी को ले जाना चाहते हैं ऐसा वो सोच रहे हैं तो नेक्स्ट फ्यू वर्स में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही अच्छी है गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आप ही को लेकर के सोच रहे हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आप भी को लेकर सोच रहे हैं तो ये आपके पर्सन की जो है एनर्जी है अभी हम देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेज और गाइज ये सभी राशि वालों, वालों के लिए है आपके पार्टनर किसी भी राशि के हो सकते हैं बारह की बारह राशियों के क्योंकि बहुत सारे कार्ड में सभी साइन आ जाते हैं इसलिए सभी राशि वालों के लिए है आपके पार्टनर किसी भी राशि के हो सकते हैं आप देख सकते हैं ठीक है चलिए ऐसे निकाल लेते क्योंकि वैसा तो निकलते नहीं है वो कह रहे हैं कि मैंने जो गलत किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो आप से मिल कर के उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप जो है हर सुबह मेरे फेस पर स्माइल लेकर आते थे आपकी बाजू में उनको बहुत अच्छा फील होता है वो आपसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हर दिन आप गैस कर लेते हैं कि मैं अभी क्या कहने जा रहा हूँ वो कह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह से मुझको जानते हैं वो कह रहे हैं कि जब मेरा मूड खराब होता है तो आप मेरी केयर करते हैं ठीक है और अच्छे से आप मुझे समझते भी हैं ऐसा वो कह रहे हैं तो ये थे गाइज आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आई हूँ गाइज ए रीडिंग आपको रेजेंट हुई अगर रेजेंट थे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय